बहुत बड़ा गलती कर दिया यार, ऐसा नहीं करना था मेरे को, लग गया ना बहुत बड़ा चूना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है मेरी बजाज चेतक 99। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे संतोष भैया हैं जो गांव में रहते हैं, उनका कॉल आया था और वो मुझे बताया कि वो कितना बड़ा गलती किए हैं। मैं आपको बता दूँ, इतना बड़ा गलती कर दिए हैं जो सोच के आदमी मतलब हंस दे, ऐसा कौन करता है भाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, वो अपने चेतक में, उनके पास 2004 मॉडल जो है चेतक, उसमें मतलब कहीं घूमने निकले थे और उनके गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, गाड़ी रिजर्व में था, वो ध्यान नहीं दिए और वो अपने सफ़र में निकल गए। जब उनके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुई तो वो सोचे क्या करूं, क्योंकि आसपास में ऐसा कोई पेट्रोल पंप नहीं था जहां से वो पेट्रोल डलवा सके। तो वो क्या किए, उनके गाड़ी में टूटी आयल का एक डिब्बा था जिसमें आधा लीटर से मतलब कुछ कम ही था टूटी आयल। तो वो सोचे कि मैं टूटी आयल डाल देता हूँ और कम से कम मैं घर तक तो पहुँच जाऊँ। तो वो ये गलती किए कि पेट्रोल खोल के, पेट्रोल टैंक को खोल के अपने स्कूटर में वो टूटी आयल डाल दिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। टूटी आयल सिर्फ मिक्स किया जाता है, वो इंजन के लिए मतलब इंजन कूलिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए उसको मिक्स किया जाता है, वो आपका पेट्रोल नहीं है जिससे आपकी गाड़ी चलेगी। तो फ्रेंड्स, वो यही गलती किए, वो सोचे कि ये पेट्रोल का ही काम आता है, वो अपने स्कूटर में डाल दिए टूटी आयल और क्या है, फिर गाड़ी बंद था, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुआ और वो बहुत परेशान हो गए, कीक मारे, बहुत कीक मारे। तो मैं आपको बता दूँ, जो नुकसान हुआ है वो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, आप अगर देखेंगे ये साइलेंसर तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको तेल नज़र आ रहा होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ज़्यादा टूटी आयल डालेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ से जो ऑयल है, ऑयल बाहर आने लगता है। तो फ्रेंड्स, वो भैया यही गलती किए, संतोष भैया, कि वो अपने स्कूटर में पेट्रोल की जगह पूरा आधा लीटर से कुछ कम टूटी आयल डाल दिए। उनको ये लगा कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टूटी आयल पेट्रोल का काम नहीं करता है, उससे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये गलती हुआ, कार्बेटर में आ गया, कार्बेटर के बाद आपके जो पिस्टन है, पिस्टन में आ गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, पूरा ऑयल ऑयल हो गया था, साइलेंसर से ऑयल निकलने लग गया था। और ये जो मैं जैसे आपको दिखाया, जहाँ से साइलेंसर अपना जॉइन होता है वहाँ पर से पूरा ऑयल ऑयल आ गया था। तो फ्रेंड्स, मेरे स्कूटर में आप जो देख रहे हैं ये ऑयल इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको ये बताया था कि आप कार्बेटर खोल के, कार्बेटर के पास हम डायरेक्ट कैसे अपने स्कूटर में टूटी आयल मिक्स कर सकते हैं। तो मैं वो वीडियो बनाया हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उससे आपका जो गाड़ी का पिस्टन सीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा, स्मूथ चलेगा। तो आप वो भी काम करिए, अच्छा है वो। तो अब मैं ये किया था इस कारण, देखेंगे आप, थोड़ा बहुत ऑयल आया है, बाकी वो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि उनके जो सीज, जो आपका जो पिस्टन है वो जहाँ मतलब जहाँ से पिस्टन रहता है, जहाँ प्लक रहता है, वहाँ पूरा ऑयल आ गया था, तो उसको खोलना पड़ा, उसको साफ़ ऑफ करवाएँ वो, तो लंबा उनका खर्चा बैठ गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये आपके गाड़ी के लिए मतलब इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेतक लवर हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं चेतक से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। और आप मेरे को बजाज चेतक 99 इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।